आप थे हमारे YouTube चैनल MPBoardEnglish में। तो दोस्तों ये चैप्टर 11 है मैंडेलिंग बॉल, जिसे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 26 मार्च 1874 में। और इसमें जो मैंडेलिंग बॉल है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जिसमें कि जो नेवर है, नेवर का एक आउटडेटेड थिंकिंग है कि जो गुड फेंसेस हैं उससे गुड नेवर्स बनते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको किसी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर का समरी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी, उसे सुनना। प्रकृति में कोई चीज़ अवश्य है जो दीवार से घृणा करती है, मतलब हेट करती है। वह दीवार के नीचे अदृश्य लहरें पैदा करती है, और जिसके मतलब जिसका एग्जांपल होता है, दीवार के ऊपर वाले पत्थर गिर जाते हैं और दीवार में बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। शिकारी भी समूची दीवार को गिरा देते हैं, मतलब पूरी दीवार को गिरा देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे दीवार के नीचे बनी छुपने की जगहों से खरगोशों को निकाल सकें। कुत्ते उन्हें बताते हैं कि खरगोश कहाँ छुपा हुआ है। बसंत ऋतु में दीवार की मरम्मत करनी पड़ती है। कभी अपने पड़ोसी को सूचित कर देता है कि जो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता है, वे दोनों मिलकर अपने बीच वाली दीवार को फिर खड़ी कर देते हैं। प्रत्येक अपनी तरफ रहता है और वे दीवार वाली रेखा साथ साथ चलते रहते हैं। प्रत्येक बड़ी मुश्किल से चपटे व गोल पत्थरों को उठाता है, जो कि अलग अलग तरीके से और दीवार को बनाने की कोशिश करता है और टिकाते रहते हैं। पत्थर बार बार गिरते रहते हैं क्योंकि उनकी जो शेप है वो अलग अलग है और उनकी उंगलियां में चोटें भी बहुत आती हैं। वो फ्री गेम में खेलने वाले प्लेयर्स की तरह बिहेव करते हैं। दीवार खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। कभी के सेब के पेड़ कभी भी दूसरी तरफ बढ़ या लांग कर दूसरी तरफ नहीं, या पड़ोसी के देवदार के वृक्ष के नीचे गिरे हुए शंख पुष्पों को नहीं खाएंगे। और पड़ोसी कहता है कि अच्छी तरह से बनाई गई बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। कभी अपने पड़ोसी की मत से सहमत नहीं है, वह बातों बातों में अपने पड़ोसी के दिमाग में एक विचार डालना चाहता है। वह गाय नहीं है जो कि पड़ोसी के खेत में घुसकर उसका फसल को नष्ट कर देगा। साथ ही वह यह जानना चाहता है कि दीवार बनाने से फ़ायदा क्या है, और जो प्रकृति की जो प्लेन स्ट्रक्चर है उसमें हम दीवार बनाकर एक अवरुद्ध पैदा करते हैं, और पड़ोसी पत्थर ला रहा है और दीवार बनाता जा रहा है, इस पर कभी बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। और लेकिन जो अपना उसका पड़ोसी है वो पुरानी सोच का है, और शिकारी कभी उसके पड़ोसी के बीच ज़मीन की दूरियां इसलिए बनाते हैं ताकि भौंकते हुए कुत्ते उन्हें बता सकें कि खरगोश कहाँ छिपे हैं। कभी बसंत ऋतु में यह दूरी देख पाता है क्योंकि बसंत ऋतु खुशियों की ऋतु है, अतः कभी इसी खुशी के मौसम में यह दूरी नहीं रह सकता। कभी और पड़ोसी अपने बीच दोबारा दीवार कैसे बनाते हैं। कभी एवं पड़ोसी अपने तरफ पड़े हुए पत्थरों को उठाकर अन्य पत्थरों पर रख देते हैं ताकि उनके बीच दीवार पुनः स्थापित की जा सके। इन पत्थरों में कुछ चपटे व कुछ गेंद जैसे आकृति बन गए हैं। कभी अपने पड़ोसी को क्यों बताता है कि उन्हें एक मध्य दीवार की आवश्यकता नहीं है, तथा पड़ोसी इस वक्ता के किस प्रकार जवाब देता है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपने पड़ोसी से कवि की दीवार को अपने संगीत को दिखाने के लिए अपने पड़ोसी को समझाता है। पड़ोसी एक चीड़ के बाग का मालिक है, जबकि जो लेखक है वह एक सेब के बाग का मालिक है, और दोनों यहाँ पशु के चढ़ने का खतरा नहीं है। लेकिन कवि का पड़ोसी दीवार के तरफ है और कहकर कि अच्छे जो दीवारें हैं उससे अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, दीवार को वैधित सिद्ध किया है। दीवार बनाने से पहले कवि क्या जानना पसंद करता है और क्यों। कवि दीवार बनने के पीछे का कारण जानना चाहता है, जैसे वह उसके पड़ोसी दीवार के अंदर व दीवार के बाहर बने रहते थे।
वह जानना चाहता है कि दोनों दोबारा दीवार बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना चाहेंगे और यदि इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारे चैनल की जो मेंबरशिप लेना है तो आप सिंपली सब्सक्राइब बटन दबाइए और इजीली हमसे जुड़ जाइए। इसमें आपको कोई भी मतलब एक रुपए का खर्च नहीं आएगा। आप इजीली आप हमको सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर देते रहेंगे जिससे कि आपको इजीली आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप डायरेक्टली शेयर कीजिए। हम आपको विद इन वीक रिप्लाई देंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।